नमस्कार, आज 29 अक्टूबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश दुनिया से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की और उनमें छपी खबरों की, वैसी खबरों की जिनका सीधा संबंध आपकी और हमारी आम जिंदगी से है। पहली खबर जनसत्ता के राष्ट्रीय संस्करण से, इसमें लिखा है कि नशाखोरी मामले में शाहरुख खान के बेटे को राहत, आर्यन को मिली जमानत लेकिन अभी रिहाई नहीं। मुंबई उच्च न्यायालय ने क्रूज पोत मादक पदार्थ मामले में गिरफ्तारी के 25 दिनों बाद गुरुवार को आर्यन खान को जमानत दे दी। मुंबई के तट से एक क्रूज जहाज पर 2 अक्टूबर को छापेमारी के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन को गिरफ्तार किया था। जमानत मिलने के बावजूद आर्यन के तत्काल आर्थर रोड जेल से बाहर आने की संभावना नहीं है, क्योंकि अदालत ने जमानत देते हुए जो शर्तें लगाई है उससे संबंधित प्रभावी आदेश अदालत ने अब तक नहीं दिया है। जमानत आदेश को लेकर आर्यन के वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मीडिया को बताया कि न्यायमूर्ति NW सावरे की एकलपीठ ने मामले में सह आरोपियों अरवाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा को भी जमानत दे दी। वे शुक्रवार की शाम तक विस्तृत आदेश देंगे। आर्यन के वकीलों ने नगद जमानत देने की अनुमति मांगी, जिसे अस्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि मुझ लगा देना होगा। न्यायमूर्ति सावरे ने कहा, मैं कल भी आदेश दे सकता था लेकिन मैंने यह आज दिया। आर्यन के वकीलों की टीम अब उनकी शुक्रवार या शनिवार तक रिहाई के लिए औपचारिकताएं पूरी करने का प्रयास करेगी। वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में सेंट्रल मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। पाकिस्तान की जीत पर जश्न, देशद्रोह। T20 में जीत को लेकर पड़ोसी मुल्क का समर्थन करने पर बदायूं से पहली गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में T20 मैच में भारत पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले के खिलाफ देशद्रोह कानून लागू करने की चेतावनी दी है और इसके अलावा अपने फेसबुक पेज पर पाकिस्तान का झंडा लगाने के आरोप में बदायूं के एक युवक के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना दिशा निर्देशों को 30 नवंबर तक बढ़ाया गया। केंद्र ने गुरुवार को राष्ट्रव्यापी COVID-19 रोकथाम उपायों को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया। कुछ राज्यों में विषाणु का स्थानीय प्रसार हुआ है, जिसके मद्देनजर कोविड प्रोटोकॉल को अभी जारी रखने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा कि COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए मौजूदा प्रोटोकॉल 30 नवंबर तक जारी रहेंगे। फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा रखा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक का नया नाम अब मेटा होगा। कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग ने गुरुवार देर रात कंपनी के वार्षिक कनेक्ट कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। मार्क ने कहा, हमने एक ऐसी कंपनी को तैयार किया है जिसने टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाया। हमारी कोशिश रही है कि हम लोगों तक टेक्नोलॉजी पहुंचाएं और बड़ी इकोनॉमी खड़ी कर पाए। उन्होंने मेटावर्स के लिए अपने विजन के बारे में भी बताया। जुकरबर्ग ने कहा, हम मानते हैं कि मेटावर्स मोबाइल इंटरनेट की जगह ले लेगा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में भी मोइटा जोड़ने का फैसला किया है। फैसला, NEET UG के परिणाम घोषित करने की कोर्ट से मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2021 का परिणाम जारी करने की इजाजत दे दी। साथ ही शीर्ष अदालत ने परीक्षा परिणाम रोकने के बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय पर भी रोक लगा दी। बता दें, 2 अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र और OMR सीट महाराष्ट्र के एक परीक्षा केंद्र में आपस में मिल गए थे। दोनों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने NTA को नीट के परिणाम घोषित नहीं करने तथा दोनों अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा कराने के निर्देश दिए थे। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस L नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने कहा, हम अदालत के दोबारा खुलने पर दोनों अभ्यर्थियों के बारे में निर्णय लेंगे, लेकिन हम 16 लाख छात्रों का परिणाम नहीं रोक सकते। कोरोना से जंग, गुरुवार को चला विशेष टीकाकरण अभियान। 19 लाख से अधिक को लगा टीका, बिहार फिर रहा टॉपर। कोरोना टीकाकरण में एक बार फिर देश में टॉपर रहा। गुरुवार को राज्य में 19 लाख से अधिक लोगों को कोरोना टीका दिया गया। बिहार की तुलना में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में आधे से भी कम लोगों का टीकाकरण हो सका। इससे पहले 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन बिहार में अब तक सर्वाधिक 33.09 लाख से अधिक लोगों को कोरोना टीका लगाया गया था। इंटर्न ने OPD को कराया बंद, बिना इलाज लौटे 70% मरीज। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर गुरुवार को MBBS इंटर्न डॉक्टर्स ने राज्यों के मेडिकल कॉलेजों की OPD सेवा बाधित कर दी। इंटर्न डॉक्टर के समर्थन में जूनियर डॉक्टर भी उतर गए और इससे PMCH, NMCH, JL NMCH, SKMCH व DMCH में OPD सेवा बाधित रही। PMCH में लामबंद इंटर्न छात्र व जूनियर डॉक्टरों ने सुबह जमकर हंगामा भी किया।
सभी ठिकानों पर दूसरे दिन भी छापेमारी, 100 करोड़ तक पहुंच गया अम्हारा कंस्ट्रक्शन कंपनी की आयकर चोरी। विभाग की अम्हारा कंस्ट्रक्शन कंपनी के सभी ठिकानों पर दूसरे दिन भी छापेमारी हुई। सभी स्थानों पर बरामद कागजात, बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में निवेश, जीएसटी में गड़बड़ी समेत अन्य आयकर चोरी का आंकड़ा बढ़कर करीब 100 करोड़ पहुंच गया। हालांकि यह आंकड़ा आयकर विभाग के स्तर से छापेमारी पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, परंतु शुरुआती जांच में बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। जांच पूरी होने के बाद भी आंकड़ा इसके पास ही रहेगा। जांच में इस कंपनी के मालिक राकेश कुमार सिंह के बेटे का पुणे में एक शानदार रेस्टोरेंट के होने का पता चला है। फिलहाल इसकी भी जांच चल रही है। पटना में बाजार समिति, एग्जीबिशन रोड एवं राजेंद्र नगर मोहल्ले में कार्यालय एवं आवासीय परिसर के अलावा बिहटा, अम्हारा, नेवरा, पुणे, नोएडा, गाजियाबाद, कोलकाता, देवघर एवं मुंबई में मौजूद सभी ठिकानों पर आईटी के विशेष टीम की जांच लगातार जारी है। दूसरे दिन के सर्च के दौरान शहर के एग्जीबिशन रोड स्थित बालाजी रेजेंसी स्थित उनके लग्जरी फ्लैट से 65 लाख कैश मिला है। इससे पहले गुरुवार को उनके राजेंद्र नगर स्थित आवास से 3.5 करोड़ रुपये कैश मिले थे, लेकिन देर रात तक इसी घर के कुछ अन्य स्थानों में कुछ और कैश मिले हैं। इससे यहाँ से बरामद राशि बढ़कर करीब 4 करोड़ रुपए हो गई है। कर्मचारियों ने किया हंगामा, लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। आरिफत नॉलेज यूनिवर्सिटी टेंडर के खेल में कर्मियों का घटा वेतन, 2 माह से मिला भी नहीं। आरिफत नॉलेज यूनिवर्सिटी में गुरुवार को कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। पुनर्नियुक्ति के नाम पर अवैध वसूली के साथ साथ 2 माह से वेतन का भुगतान नहीं होने पर कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उनका आरोप है कि 10-12 साल से काम कर रहे कर्मचारियों की सैलरी भी कम कर दी गई है। नगर निगम दिघा, नंदगोला व बासघाट पर बनेगा नया विद्युत शब्दागृह। बोरिंग रोड दरियापुर जीपीओ गोलंबर के पास दुकान के लिए मिलेगी खाली जमीन। निगम क्षेत्र में आने वाले नए वार्ड 22A, 22B, 22C में होल्डिंग टैक्स का सर निर्धारण में देरी होने पर लगने वाले विलंब शुल्क नहीं लगेगा। आवासीय संपत्ति पर 2000 व गैर आवासीय संपत्ति पर 5000 जुर्माना नहीं देना होगा। बोरिंग कैनाल रोड में मारुति शोरूम के बगल में दरियापुर खेतान मार्केट के सामने मैकडोवल गोलंबर व जीपीओ गोलंबर के पास अस्थायी दुकान खोलने के लिए PRDA की खाली जमीन दी जाएगी। वहीं दिघा, नंदगोला व बासघाट में नए विद्युत शब्दागृह का निर्माण निगम के खाली भूखंडों की घेराबंदी, जुड़वा वाहन सवा फरहा के फास्ट फूड वाहन का किराया कम करने के सहित 25 एजेंडों पर निगम की सशक्त स्थायी समिति की मुहर लगी। गुरुवार को मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई। तो फिलहाल आज की अखबारों से तमाम इतनी ही खबरें। और भी खबरों के लिए न्यूज पीआर के साथ आज दिन भर बने रहे। धन्यवाद।